प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। किसी भी लैंग्वेज यानी ज़बान की बेसिक यानी बुनियादी बातों का इल्म, नॉलेज होना बेहद ज़रूरी होता है। इनका इल्म हमारी ज़बान लैंग्वेज के लिए बहुत मानी रखता है। दुरुस्त और सही ज़बान का इस्तेमाल, जिसे हम उर्दू में अमली कवायद और अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, इस ग्रामर का इल्म मालूमात हमें बखूबी हो जाए तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी के अज्जाए कलाम। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, नंबर 5 एडजेक्टिव, नंबर 6 प्रेपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। नाउन, इस्म। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। Examples of nouns: Ahmed, Mumbai, table, dog, teacher, pan, city, happiness, hope. Noun का मतलब होता है इस्म, और इस्म के मानी है किसी का नाम। किसी का भी नाम हो सकता है, इंसान का, शख्स का, जगह का, चीज का। मिसाल के तौर पर अहमद, मुंबई, मेज़, कुत्ता, उस्ताद, कलम, शहर, खुशी, उम्मीद। प्रोनाउन, ज़मीर। रिप्लेसिस आ नाउन, यानी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज। अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन और noun phrase to avoid repetition. Examples of pronouns: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, those. Example sentences: Mary is tired. She wants to sleep. I want her to dance with me. कहने का मतलब ये है कि ज़मीर यानी इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं, तुम, ये, वो, इसका, उसका, तुम्हारा, इनका, उनका, उस वगैरह। वो यानी काम, जिसे हम फेल कहते हैं। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। अ वर्ब शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। अ वर्ब शोज व्हाट समवन और समथिंग इज डूइंग। कहने का मतलब है काम। वर्ब का मतलब होता है काम। हम जो भी काम करते हैं, हमारे दोस्त जो भी काम करते हैं, करना, जो कुछ भी करना, जैसे साइकिल चलाना, बॉल खेलना, रस्सी कूदना, यानी चलाना, चलना, कूदना, खेलना, सोना, पढ़ना, लिखना, हम जो भी हरकत करते हैं, हम जो भी एक्शन करते हैं, उसे वर्ब कहते हैं, जिसे उर्दू में फेल कहा जाता है। वर्ब यानी एक्शन वर्ड। एडवर्ब यानी काम को डिस्क्राइब करना, काम के मुतालिक बताना। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। इट टेल्स हाउ, वेयर, when, how, often or to
what extent. Many adverbs end in ly. Examples: slowly, quickly. Very, always, never, too, well, tomorrow, here. कहने का मतलब बेटा ये है कि एडवर्ब जो होता है वो फेल के मुतालिक ये बताता है काम किस तरह हुआ, आहिस्ता से हुआ, जल्दी हुआ, फास्ट हुआ, हमेशा हुआ, नहीं हुआ, अच्छी तरह हुआ, कल हुआ, यहाँ हुआ, वहाँ हुआ, काम कैसे और कहाँ कब हुआ ये बताता है हमें एडवर्ब, यानी के डिस्क्राइब करता है वर्ब को, वर्ब को डिस्क्राइब करता है। ओके, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी सिफत, और सिफत का मतलब होता है खुसूसियात, खासियत, खूबी, खामी, अच्छाई, बुराई बताने वाला लफ्ज। इट्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स, मॉडिफाइज और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स: बिग, हैप्पी, ग्रीन, यंग, फन, क्रेजी, थ्री। यानी के सिफत, किसी भी चीज की खासियत, जैसे चीज बड़ी है, वो बहुत खुश है, हाँ ये जगह हरी भरी है, ग्रीन है, यहाँ ग्रीनरी है, यंग, ये बच्चा यंग है, जवान है, ये लोग फन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, क्रेजी यानी के एकदम बिल्कुल पागल हो जाना, थ्री यानी अदद यानी गिनती भी बताना, जैसे हम लोगों ने उर्दू में हम कहते हैं सिफते अददी, सिफते निस्बती, सिफते मिकदारी, सिफते जाती। सिफत यानी किसी भी चीज की खूबी या खामी, किसी भी तरह की खासियत बताने वाला लफ्ज। प्रेपोजिशन, हुरूफे जा, शोज रिलेशनशिप, यानी वो लफ्ज जो किसी इस्म या उस जमीर का किसी दूसरे से रिश्ता या ताल्लुक जाहिर करे उसे हुरूफे जार कहते हैं। अ प्रेपोजिशन शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। दे कैन इंडिकेट टाइम, प्लेस और रिलेशनशिप। एग्जाम्पल्स: एट, ऑन, इन, फ्रॉम, विद, नियर, बिटवीन, अबाउट, अंडर। जैसे आई एम इंटरेस्टेड इन हॉर्स राइडिंग। यहाँ पर जो वर्ड इन आ रहा है ये प्रेपोजिशन है जिसे हम हुरूफे जार कहते हैं। ये ताल्लुक जाहिर करता है, ये रिश्ता जाहिर करता है एक इस्म का दूसरे इस्म से। मानसून सेट्स इन जून। अब यहाँ पर इन वर्ड जो है ये दोनों इस्म को जोड़ रहा है, एक दूसरे के रिश्ते को, ताल्लुक को जाहिर कर रहा है। Who is looking after that orphan child? अब यहाँ लव्स आफ्टर, वर्ड आफ्टर जो है वो एक दूसरे के रिश्ते को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, जाहिर कर रहा है। इसे कहते हैं प्रेपोजिशन यानी हुरूफे जार। कंजंक्शन, हुरूफे अत्फ, जॉइनिंग वर्ड। अ कंजंक्शन जॉइंस टू वर्ड्स, आइडियाज, फ्रेसेस और क्लॉसेस टुगेदर इन अ सेंटेंस एंड शोज हाउ दे आर कनेक्टेड। एग्जाम्पल्स: एंड, और, बट, बिकॉज, सो, येट, अनलेस, सिंस, इफ। वो लफ्ज जो अल्फाज और जुमलों को जोड़ता है उसे हुरूफे अत्फ कहते हैं, जैसे और, या, लेकिन, क्योंकि। इस तरह के अल्फाज
जो दो जुमलों को जोड़ते हैं उन्हें हुरूफ़े अत्फ कहते हैं। जैसे I ran fast but missed the bus। I ran fast और missed the bus ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इनको जोड़ने के लिए बट का यूज किया गया है, जिसके यूज करने से सेंटेंस हो गया I ran fast but missed the bus। मैं तेज दौड़ा लेकिन बस छूट गई। तो दो लफ्जों को जोड़ने के लिए जो एक वर्ड यूज होता है, इस्तेमाल होता है, या दो जुमलों को जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उसे कंजंक्शन कहते हैं या हुरूफ़े अत्फ कहते हैं। इंटरजेक्शन हुरूफ़े फिजाइया एक्सप्रेसिव वर्ड। An interjection is a word or phrase that expresses a strong feeling or emotion. It is a short exclamation. Examples: Ouch! Wow! Great! Help! Oh! Hey! Hi! वो लफ्ज जो किसी खुशी, हैरत, गम जैसे एहसासात तो जज्बात को जाहिर करता है, ऐसे लफ्ज को हुरूफ़े फिजाइया कहते हैं। अब यहाँ तुम्हारे एग्जांपल्स में दिया है आउच, जो तकलीफ के वक्त मुंह से निकलता है। वाओ, किसी अच्छी खूबसूरत शानदार चीज को देखकर हम वाओ कहते हैं। ग्रेट, हेल्प, ओह, हे, हाय, ये सब इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, जिसे हम हुरूफ़े फिजाइया कहते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसके 8 हिस्से थे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। आई थिंक सो आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। शुक्रिया। स्पेशल थैंक्स टू आर टीचर मिस्टर मुदस्सिर अजहर खान, कलेक्टर कॉलोनी म्यूनिसिपल उर्दू स्कूल, चेंबूर, एम वेस्ट, जिन्होंने इस चैप्टर का पीडीएफ बनाया, जो वीडियो बनाने में मुझे बेहद कारगर साबित हुआ। थैंक यू सर।